चलो बेटे पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे फूड सेफ्टी मैनेजमेंट का पार्ट टू, ठीक है, जिसमें मोस्टली हमें रिक्रूटमेंट के तरीके और किस तरीके से हम अपने एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट स्किल्स दे सकते हैं बिफोर रिक्रूटमेंट और आफ्टर रिक्रूटमेंट, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर वन, तो इसमें हमारे पास इंट्रोडक्शन आ जाएगा, ठीक है, जितने भी हमारे पास डिफरेंट गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे सबसे पहले ISO का जिक्र किया गया है, तो ISO क्या है? ISO हमारे पास एक इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर जो फर्स्ट सेकेंड लेक्चर थे उसमें हम लोग पढ़ भी चुके हैं। It is started in 1946. 25 countries met in London after the World War. ठीक है, मतलब ये बताना चाह रहे थे इसमें इसकी हिस्ट्री है, ठीक है। And decided to create an organization, international body to facilitate the international coordination and unification of industrial standards. ठीक है, तो 1946 में क्या हुआ था? 25 different countries जो थी उनका लंदन में एक मीटिंग हुई उनकी, जिसमें उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो कि फर्दरली जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी उनके साथ उनकी कोऑर्डिनेशन होगी और कुछ रूल्स वगैरह बनाएंगे, कुछ स्टैंडर्ड रूल्स बनाएंगे फॉर द फूड एंड फॉर द अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है। फिर 47 में, इन 1947 ऑफिशियली बिगेन ऑपरेशन। 1947 में क्या हुआ? 1947 तक क्या हुआ? 46 से लेकर 47 तक वर्किंग होती रही और फिर 47 में ऑफिशियली उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था अपने जो भी उनकी प्लान वगैरह थे, ठीक है। ISO 22000 2018 में उन्होंने क्या किया था? सेट आउट द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एंड कैन बी सर्टिफाइड टू, ठीक है। उन्होंने 2018 के अंदर क्या किया था? उन्होंने कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जिसके अंदर फूड सेफ्टी आता था, ठीक है। इट मैप्स आउट व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू डू, ठीक है। इसमें क्या था हमारे पास? इसमें डूज और डू नॉट थे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिनमें उन्होंने इनिशिएटिव लिया था कि ऐसी एक ऐसे उन्होंने सिस्टमेटिक प्रोसीजर बनाया था कि जिसके थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को वो स्मूथली रन करने के लिए या फिर उनके लिए रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया, ताकि उन क्राइटेरियाज और उन रिक्वायरमेंट पर वो जब उतरेंगे तभी उनकी ऑर्गेनाइजेशन को सर्टिफाई किया जाएगा, ठीक है। तो क्या किया था उन्होंने? उन्होंने मैप आउट किया था ऑर्गेनाइजेशन को नीड्स टू डेमोन्स्ट्रेट इट्स एबिलिटी टू कंट्रोल फूड सेफ्टी हैजर्ड्स इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट फूड इज सेफ, ठीक है। वही जो प्रीवियस लेक्चर में हमारे पास था कि एक सिस्टमैटिक वे में एक आप लोगों ने प्रोसीजर बनाया है ताकि आपके फ्यूचर में आने वाले और प्रीवियसली जो कि मिस हो चुके हैं उनके बारे में आपके पास डेटा मौजूद हो, ठीक है। इट कैन बी यूज बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइज और पोजीशन इन द फूड चेन, ठीक है। पिछली दफा पे आप लोगों ने याद है ना कि हम लोगों ने ये नहीं देखना कि कोई इंडस्ट्री चैरिटेबल है, कमर्शियल है, वॉट एवर। क्या देखना है? हम लोगों ने सिर्फ उनका फूड सेफ्टी प्रोग्राम देखना है, ठीक है, जिसके अंदर क्या आ जाता है? फूड टेक्नोलॉजी आ जाती है, फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एंड फूड सर्विसेज आ जाता है, ठीक है। फूड टेक्नोलॉजी में ये जो जीनोम वगैरह की चेंजिंग होती है, फूड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग आ जाएगी और फूड सर्विस के अंदर किस सर्विस के थ्रू वो जो है डिस्प्लेइंग कर रहे हैं, रिटेल प्राइस पे है या ऑन द स्पॉट सर्विंग है, रेडी टू ईट है, रेडी टू कुक है या रेडी टू सर्व फूड आइटम है, ठीक है। तो ये सर्विसेज में आपके पास आ जाएगा। फिर क्या हुआ था 2008 में? और क्या हुआ था? इट इज क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट, ठीक है। 9001 एक उनका एक और रूल था जिसमें क्या था? क्वालिटी मैनेजमेंट देख रहे थे, इसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती थी, पेपर वर्क होता था इसके ऊपर, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन शैल एस्टैब्लिश डॉक्यूमेंट, इंप्लीमेंट एंड मेंटेन अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, कंटिन्यूअली इंप्रूव इट्स इफेक्टिवनेस इन
accordance with the requirement of this international standard. ठीक है, 9001 में ISO ने ये बोला था कि जो भी कोई organization होगी food से related, उनको क्या करना होगा, उन्होंने एक तो organization establish एक दफा हो गई है, फिर उन्होंने अपनी proper documentation करनी है. ठीक है, उन documentation के through उन्होंने क्या करना है, उन्होंने अपनी management को proper रखना है from the day one to the last day of the जब तक वो business चल रहा है तब तक उन्होंने उसकी सारी क्या करनी है, उसकी मैनेजमेंट देखनी है, फिर उसकी मैनेजमेंट को देखते हुए उसकी और एंड्योरेंस वगैरह भी करनी है, और उसके अकॉर्डिंग क्या करने जो भी आईएसओ की रिक्वायरमेंट्स है उनके मुताबिक खुद को ढालना है. ठीक है, या उस पॉइंट तक पहुंचना है. इसके अंदर क्या आ जाएगा, इनपुट आएगा, आप जो आपकी जो मेहनत होगी, पैसा होगा, आपका एम्प्लॉय फैक्टर होगा, वो इनपुट होगा आपके पास. ठीक है, फिर उसका प्रोसेस होगा, प्रोसेस के अंदर भी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी. आप अपने एम्प्लॉय को स्किल्स दोगे, आपका एम्प्लॉय किस तरीके से काम करते, किस तरीके से आप फाइनल चीज बनाते हो. ठीक है, एंड आउटपुट, वो आउटपुट क्या होता है, कोई भी जो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास लॉन्च होगी वो आपका आउटपुट होगा. ठीक है, इनेबल द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट्स कैन बी कंसीडर्ड एज अ प्रोसेस. ठीक है, जैसे हम खाना बनाते हैं, हम इंग्रेडिएंट्स लेते हैं, इंग्रेडिएंट्स को मिक्सअप करते हैं, फिर वो मिक्सअप करने के बाद वो जो मिक्सिंग का सारा कटिंग चॉपिंग एंड कुकिंग का जो प्रोसीजर होता है वो प्रोसेस होता है, और वो जो फाइनल डिश हमारे पास आती है वो आउटकम होता है. ठीक है, सो इसी तरह इधर भी लिखा है कि जो भी आपने ट्रांसफॉर्मेशन की अपने इनपुट्स की, वो टू कंसीडर और टू मेक वो प्रोसेस कंसीडर होगा to make an output. ठीक है, also provides corrective action and prevention. ठीक है, most important चीज क्या है कि आपने जो action लिए हैं और जो preventions आपने की हैं वो भी आप लोगों ने mention की है. ठीक है, फिर different standards होते हैं आपके पास. ठीक है, they give world class specification for products, service and system to ensure quality, safety and efficiency. ठीक है, अब जो भी आप लोगों ने देखा होगा ISO से certified हर चीज नहीं होती है. गली वालों के जो आपके चिप्स, जूस और पानी की बोतलें होती हैं, ये ISO certified नहीं होती. बहुत ही हाई स्टैंडर्ड की, हाई लेवल की कंपनी होती है जिसकी चीजें जो होती है ISO certified. आपकी इकोनॉमी, आपका जो स्टेटस है उस कंपनी का, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, ताकि उनके जो हाई स्टैंडर्ड है, क्योंकि आईएसओ के स्टैंडर्ड जो है ना वो बहुत हाई लेवल के हैं, तो उन तक पहुंचने के लिए आपको एक बहुत ही मतलब आपका एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होना चाहिए, और आपकी प्रोडक्ट इस लिहाज से मतलब वो हर लिहाज से इतनी परफेक्ट होनी चाहिए प्रोडक्ट की आपको आईएसओ जो है वो सर्टिफाई कर दे. ठीक है, दे आर हेल्पफुल फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड. ठीक है, आईएसओ की सर्टिफिकेशन से क्या होगा, इंटरनेशनली आपकी जो प्रोडक्ट है वो ट्रेड कर सकती है. ठीक है, शान के मसालों की हर दफा मैं आपको एग्जांपल लेती हूँ, क्यों, क्योंकि वो आईएसओ से सर्टिफाइड है. ठीक है, इस तरह हमारी बहुत सारी और चीजें हैं कुछ जो कि बाहर की कंट्रीज में जाती है हमारे पास. ठीक है, हिलाल के कुछ फूड आइटम्स हैं, इस तरह बिस्कॉनी के कुछ फूड आइटम्स हैं, वो हमारे पास बाहर जो है वो इम्पोर्ट हो रही है. क्यों हो रही है, क्यों उनका इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, क्योंकि उनके पास आईएसओ की सर्टिफिकेशन है. आईएसओ हैज पब्लिश 2595 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, जिनके अंदर क्या आता है, जो कि सारी कवर करती है इंडस्ट्री को, उनकी टेक्नोलॉजी से लेकर उनकी फूड सेफ्टी, उनका एग्रीकल्चर, उनके हेल्थ केयर, वो हर चीज को अपने अंदर क्या कर लेती है, वो कंट्रोल कर लेती है, उसके ऊपर उसका सारा का सारा कवरेज है. ISO international standard impact everyone and everywhere. ठीक है, इसका इम्पैक्ट कहाँ आता है, हर जगह पे आता है आपके पास. ठीक है, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट में हमारे पास क्या सिस्टम जो है वो है, डेवलप फॉर फूड मैन्युफैक्चरर. ठीक है, और इसके अलावा किस चीज के लिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती, प्रिवेंटिव अप्रोच रिगार्डिंग व्हाट आइडेंटिफाई फूड बॉर्न हैजर्ड्स. ठीक है, वो हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रिवेंट फूड बॉर्न हैजर्ड. ठीक है, एंड रिड्यूस फूड बॉर्न हैजर्ड्स, हम लोग हैजर्ड्स पढ़ चुके हैं. ठीक है, रिड्यूस फूड रिकॉल, गोल हमारा क्या होता है, बेसिकली सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी. ठीक है, फिर आईएसओ का एक था 22000 फैमिली के नाम से, एक उनका एक रूल है, इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द ग्लोबल फूड सप्लाई चेन. ठीक है, ग्लोबली जो फूड सप्लाई होता है उसकी जो भी मैनेजमेंट होता है उसको ये देखते हैं, उसके अंदर ये क्या चीज देखता होता है, टू इवैल्यूएट असेस द कस्टमर रिक्वायरमेंट. ठीक है, जैसे हम लोग हैजर्ड एनालिसिस करते हैं, इसी तरह हम लोग यहाँ पे कस्टमर की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करेंगे, फिर उसके मुताबिक प्रोडक्ट जो है वो बनाएंगे. ठीक है, गेन कस्टमर कॉन्फिडेंस, जब एक चीजें ठीक होती हैं तो कस्टमर की कॉन्फिडेंस आता है. आप लोगों ने खुद देखा होगा, आप किसी एक टाइम किसी जगह से ऑनलाइन चीज डिलीवर करवाते हैं, अगर वो अच्छी होती है तो आप नेक्स्ट टाइम के लिए वहां से करवाते हो. ठीक है, सेम विल गोज फॉर दिस. ठीक है, इससे क्या होता है, कंप्लेन बॉक्स, आप कस्टमर खुश होता है अगर आप लोगों के पास इस तरह की ऑप्शन हो. जैसे हम लोग फॉलो बैक के लिए या फिर फॉलो अप के लिए या फीडबैक के लिए हम लोग जो क्वेश्चनेयर्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो कंप्लेन बॉक्स होना चाहिए, ईमेल जो आईडी है वो मेंशन होनी चाहिए, सजेशन बॉक्स होना चाहिए, एसएमएस का सिस्टम होना चाहिए. ठीक है, या पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल के ऊपर भी आप लोग आप आजकल कर सकते हो. ठीक है,
which organization can implement ISO 22000? Food manufacturing wale implement kar sakte hain ye wale rules, food ingredients wale, food additives, transportation wale, packaging wale, selling jo ki chahe retail mein ho chahe whole mein ho, serving prepared food jisme restaurants aa jayenge, grocery stores aa jayenge, aapke paas bakeries aa jayengi, theek hai, aur food equipment production jahan pe food ke equipments bante hain, Sialkot mein is tarah ki hamare paas bahut sare companies wagaira jo hain wo maujood hai, theek hai. ISO के लिए मेजर रिक्वायरमेंट्स क्या होती है? अगर आप चाहते हैं कि आप ISO सर्टिफाइड प्रोडक्ट हो जाए तो आपके पास एक आपका प्री रिक्विजिट प्रोग्राम होना चाहिए, ठीक है, टू प्लान अ फूड सेफ्टी प्रोसेस. इसके अलावा आपने फूड सेफ्टी प्रोसेस अपना प्लान करना है, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवानी जरूरी होती है, ठीक है. फिर आप लोगों ने देखना हो कि आपने उनको मतलब आपने ISO को सर्टिफाई कर वो सेटिस्फाई करना होता है. फिर आप लोगों ने बताना है कि मेरा ऑपरेशनल मोड कैसा होगा फूड सेफ्टी प्रोसेस का, ठीक है, और इसकी मैं मेंटेनेंस कैसे रखूंगा, ठीक है, और फिर वक्त आने के साथ मैं इसके अंदर फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को अपडेट कैसे करूंगा, ठीक है. वो आपसे कोई एक दिन का या दो दिन का प्लान नहीं मांगते ISO वाले, आपसे आने वाले 10 या 12 साल का प्लान मांगते, तभी जाके वो आपको ISO सर्टिफाई करते हैं, ठीक है. शुड बी डायनेमिक, ठीक है, डायनेमिक होना चाहिए, इंटरनल ऑडिट्स वगैरह करने चाहिए, ऑडिट्स का आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, और जो भी आप लोगों ने प्लान बनाया चाहिए वो इफेक्टिव और एफिशिएंट होना चाहिए. फिर उसकी एफिशिएंसी लेवल ये नहीं होनी चाहिए कि आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओवर होके बहुत सारी बातें लिख रही हैं और फिर वो आप कर नहीं सके, ठीक है. सो थोड़ा सा रियलिस्टिक वे में रह के एफिशिएंट होना चाहिए आपका जो प्रोग्राम है, ठीक है. रॉ मटेरियल क्या होता है हमारे पास? रॉ मटेरियल की वेरिफिकेशन भी बड़ी जरूरी होती है, ठीक है. टू सेफ रॉ मटेरियल्स कैन बी श्योर बाय मेंटेनिंग द क्वालिटी. क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने क्या करना होता है? हम लोगों ने सप्लायर के ऑडिट करने होते हैं, ठीक है. सप्लायर के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना होता है. इसके अलावा हम लोगों को पहले सैम्पलिंग करनी चाहिए, ठीक है. सैंपल आप कहीं से मतलब अक्सर ऐसा होता है कि फूड कोर्ट्स में देख लें आप लोग, जब नए कोई रेस्टोरेंट ओपन होते हैं तो वो आपको छोटे छोटे सैंपल देते हैं, या कोई नई प्रोडक्ट जब लॉन्च होती है मार्केट में तो उसके सैंपल साइज आते हैं आपके पास, ताकि आप उसके बारे में वेरिफिकेशन दे सके, जजमेंट अपनी पास कर सके, ठीक है. सैंपलिंग का ये फायदा होगा कि आप उसके अंदर ट्रेसिबिलिटी देख लोगे, ठीक है. ट्रेसिबिलिटी आप लोग को याद होगा, लिक्विड्स के अंदर क्लियरनेस और फूड के अंदर देखना होता है कि एक्सट्रोजीनस कोई पार्टिकल ना हो उसके अंदर, ठीक है. एंड कोल्ड चेंज मेंटेन, ठीक है. इस तरह क्या होता है, आपकी मेंटेनेंस आ जाती है आपके पास, मतलब वो क्या कहते हैं, दोस्ती के मरासिम बढ़ते जाते हैं उनके साथ, ठीक है. करेक्टिव एक्शन फॉर नॉन कॉन्फर्मेंस, ठीक है. करेक्टिव एक्शन लेने चाहिए. नॉन कॉन्फर्मेंस वो चीजें होती हैं जो कि अपने एंड तक नहीं पहुंचती, या फिर उनका रिजल्ट जो है आपकी तवक्कात के मुताबिक नहीं आता. इट ऑकर्स व्हेन समथिंग डज नॉट मीट द स्पेसिफिकेशन और रिक्वायरमेंट्स इन सम वे, ठीक है. वही वाली बात है, जब आपने कोई चीज अपना एक स्टैंडर्ड सोचा होता है और उस स्टैंडर्ड तक वो चीज नहीं पहुंच पाती, ठीक है. सो उसके लिए हम लोगों ने करेक्टिव एक्शन लेने होते, ठीक है. नॉन कॉन्फॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या आ जाता है, हमारे पास इनपुट्स जॉब की रिक्वायरमेंट्स है और आउटपुट्स, बीच में ये प्रोसेस होता है हमारा पूरा, हम लोग प्लान करते हैं, ठीक है. प्लानिंग में आ जाते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, और फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, ठीक है. फिर उसके ऊपर एक्ट एंड डू वाला आ जाता है. एक्ट में क्या होता है, आप एवेल्युएट करते हो करेक्ट अपनी जो भी करेक्शन या चीजें वगैरह आप लोगों ने एक्शन लिए थे उनको एवेल्युएट करोगे, एग्जीक्यूट करोगे. जब आप लोग का प्लान अच्छा जाएगा और आप लोग उसको थोड़े से उसके ऊपर वर्किंग करके, मतलब पायलट स्टडी, अगर आप लोग को रिसर्च थोड़ी बहुत आती है तो एक पायलट स्टडी होती है जो कि थोड़े से पैमाने पर आप लोग करते हो, ठीक है. अगर आपकी प्लान की पायलट स्टडी के रिजल्ट 100% आ जाएंगे तो फिर आप उस प्लान को एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है. एग्जीक्यूट और रिकॉर्ड करोगे. फिर उसके बाद क्या होगा, मेजर एंड चेक एंड बैलेंस, और वो भी उसमें जो कमियां बेशियां ज्यादतियां जो भी हैं जिसको करेक्टिव होना है वो आप देख लोगे, ठीक है. फिर उसके बाद क्या आएगा, इतनी मेहनत करने के बाद आपको आउटपुट आएगा, और वो आउटपुट हो सकता है इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट भी हो सकता है, या फिर इन फॉर्म ऑफ सेटिस्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक है. कभी कभार हम जो अपने काम कर लेते हैं तो हमें उसके कोई गिफ्ट वगैरह कुछ नहीं मिलता, बट वो क्या होता है, कोई इंटरनल पीस एंड सेटिस्फेक्शन हमें मिल जाती होती है, ठीक है. ओके, प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है हमारे पास? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस कैन बी मेंटेन बाय रिजॉल्विंग कंटेमिनेशन इश्यूज, ठीक है. आपने अगर अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस को अच्छे तरीके से चलाना है तो जो कंटेमिनेशन के इश्यूज आते हैं उनको रिजॉल्व करना है, ठीक है. कंटेमिनेंट्स क्या होते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल इश्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है. इंटरनल डिटोरिएशन या एंजाइमेटिक चेंजेस भी हो सकती है. वाटर सप्लाई भी गंदी आ सकती है आपके पास, ठीक है. जो वाटर यूजेज है वो सही नहीं है. इसके अलावा एलर्जेंस का अगर आप लोग का चैप्टर याद हो, एक लेक्चर पहले हमने एलर्जेंस पढ़ा था. फूड की जो इंटरनल सीसीपी अगर वो कंट्रोल नहीं हुई तो एलर्जेंस आने की भी आपके पास मसले हो सकते हैं, ठीक है. फिर आ जाएगा फूड सेफ्टी ट्रेनिंग. फूड सेफ्टी ट्रेनिंग आपने किसको देनी है? फूड सेफ्टी ट्रेनिंग आपने खुद भी लेनी है और आपने जो एम्प्लॉय हायर किया है उसको भी देनी है, ठीक है. ये क्या है,
बेसिकली फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एक लीगल रिक्वायरमेंट है, ठीक है, क्योंकि जो भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसके जितने भी पर्सनल्स या एम्प्लॉय होंगे उनकी उनकी जरूरत के लिए और कंपनी की अच्छी साख के लिए एक आपके पास एक लीगल रिक्वायरमेंट है, ठीक है. असिस्ट कंपनीज टू बी मोर एफिशिएंट. फायदा का ये होता है कि कंपनी की जो असिस्टेंट्स हैं या कंपनी के जो मार्केट वैल्यू होगी वो मोर एफिशिएंट हो जाएगी, कंपिटेटिव होगी और प्रॉफिट आएगा उनके पास, ठीक है. इसके अलावा इसका तीसरा फायदा ये होता है कि ये आपकी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को रेज करता है, ठीक है. परफॉर्मेंस को भी रेज करेगा. परफॉर्मेंस जब रेज होती है आपके पास, जब आपका एम्प्लॉय अच्छे तरीके से काम करता होता है तो आपका एम्प्लॉय भी सेटिस्फाई होता है. आपकी एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है कि आपका जो परसेंटेज लेवल होगा या प्रॉफिट लेवल होगा मार्केट में वो इंक्रीज होगा, ठीक है. इसके अलावा जो फोर्थ पॉइंट है, अगर आप सही तरीके से अपने फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग रखी है और आपने अपने एम्प्लॉय को तरीके से हर काम करना सिखाया हुआ है तो वेस्टेज नहीं होगी आपके पास प्रोडक्ट की, वो रॉ की भी हो, रॉ प्रोडक्ट की या आउटपुट की किसी भी चीज की वेस्टेज नहीं होगी, ठीक है. इसके अलावा आपकी कंपनी की जो इमेज है वो बड़ी अच्छी जाएगी मार्केट में, ठीक है. इसके अलावा आपके जो स्टाफ है उनका मोरेल हाई होगा, ठीक है. जब छोटी मोटी ट्रेनिंग्स होती है तो स्टाफ को या जो भी वहाँ के एम्प्लॉय होते हैं वो उनको कम अज कम ये फीलिंग आती है कि यस हमें कोई कंसिडर करता है. और जब आप कहीं पे काम कर रहे होते हो और आपकी कंसिडरेशन होना शुरू हो जाए तो आपका जो है वो जो एज अ स्टाफ मेंबर आप खुश होते हो और आप अपना इनपुट और भी ज्यादा देना शुरू कर देते हो, ठीक है. इसके अलावा स्टाफ रिटेंशन इंप्रूव होगी, ठीक है. लोग नौकरियां छोड़ छोड़ के नहीं जाएंगे बल्कि और लोग भी आएंगे आपके पास, ठीक है, आपकी इमेज को देखते हुए. What we need for training? अच्छा, training के लिए हमें क्या जरूरत है? Appropriate resources, ठीक है. Appropriate resources in a form of anything, ठीक है. Let's suppose अगर हमने बात करके या सेमिनार करके अगर करना है तो हमें किसी अच्छे प्रोफेशनल बनने की जरूरत होती है, ठीक है. इसके अलावा मोटिवेशनल सपोर्ट बाय मैनेजमेंट, ठीक है. मोटिवेशनल सपोर्ट भी चाहिए होती है और मॉरल सपोर्ट भी चाहिए होती है आपकी मैनेजमेंट की तरफ से, ठीक है. लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे टीचर्स के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन से किसी एक स्पीकर को लेके आती हूँ और उनको मैंने कोई स्पीच देनी होती है, ठीक है, मैं तो कर लूंगी. मेरे से जो लोग वर्कशॉप में इंटरेस्टेड हो गए वो भी खुशी खुशी आ जाएंगे, ठीक है. बट अगर मेरी मैनेजमेंट मुझे मोटिवेट नहीं करेगी, सपोर्ट नहीं करेगी तो नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं लूंगी, ठीक है. सो इस सब के लिए आपकी जो मोटिवेशनल सपोर्ट है फ्रॉम द मैनेजमेंट वो बड़ी जरूरी होती है. अच्छा, ट्रेनिंग के अंदर क्या आता है हमारे पास? वर्ड ट्रेनिंग इंक्लूड्स आपके पास इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज होना चाहिए, ठीक है. वो जो स्किल्स आप एक बंदे को सिखाते हो, ठीक है, वो ऐसी होनी चाहिए कि वो उसकी यूज की हो और वो उसको यूज कर सके, ठीक है. मेंटेनिंग एडवोकेट फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड. इसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है, जितने भी एडवोकेट जरूरी फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड है उनको आपने मेंटेन करके रखना होगा, ठीक है. अच्छा, ट्रेनिंग टूल्स क्या हो सकते हैं, ठीक है. लेट्स सपोज अगर आप लोगों ने सेमिनार्स और वर्कशॉप्स अटेंड किए होंगे तो आपको पता होगा इन प्लांट इंस्ट्रक्शन भी आप दे सकते हो, ठीक है. 90% तो यही होते हैं कि इंस्ट्रक्शंस वगैरह सिखाना वर्बली आप सिखाते हो. इसके अलावा आप हैंड आउट्स दे सकते हो, मैनुअल्स दे सकते हो, ठीक है, वो पेजेस से या बुक से बनी होती है. इसके अलावा ग्रुप्स में डिवाइड करके उनको ग्रुप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, उनको वीडियोस दिखा सकते हो, वेब बेस्ड प्रोग्राम हो सकते हैं, ठीक है. कोरोना में ये वेब बेस्ड प्रोग्राम्स के थ्रू बहुत सारी वर्कशॉप और चीजें होती रहती हैं, ठीक है. और आउटसाइड क्लासरूम्स भी आप उनको फिजिकल भी कोई चीजें वगैरह दिखा सकते हैं, बट उसकी परसेंटेज बहुत ही कम है, ठीक है. सबसे ज्यादा परसेंटेज होती है इन प्लांट इंस्ट्रक्शन की, कि आप उस सर्टन एरिया में रह के उनको चीजें दिखा के कुछ सिखा सके, ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ट्रेनिंग को हम कैसे वर्किंग में ला सकते हैं, ट्रेनिंग कैसे हमें फायदा दे सकती है, व्हाट मेक्स ट्रेनिंग वर्क, ठीक है. ट्रेनी शुड बी गिवन असिस्टेंस टू हेल्प देम सक्सेसफुली इंप्लीमेंट द ट्रेनिंग इन द वर्कप्लेस, ठीक है. कोई भी जो अच्छी ट्रेनिंग या वर्कशॉप जाती है उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर होता है वो यही होता है कि उसी टाइम आप मतलब सिर्फ बातें मत करें, वो चीजें प्रोवाइड करें और उस एम्प्लॉय को या जो भी अटेंडेंट्स हैं उस सेमिनार पे उनको चीज सिखाएं और उनसे उसी वक्त वो काम करवाएं तो उनको फायदा होगा, ठीक है. दिस कैन बी अचीव बाय यूजिंग अ ट्रेनिंग एप्लीकेशन प्लान, ठीक है. एक ट्रेनिंग एप्लीकेशन प्लान इसके लिए चाहिए होता है आपके पास. वो ट्रेनिंग एप्लीकेशन प्लान के अंदर क्या होता है आपके पास, उसमें होता है पर्सनल हाइजीन नंबर वन, क्योंकि हम फूड सेफ्टी के हवाले से पढ़ रहे हैं. तो ट्रेनिंग एक्शन प्लान में उसके अंदर क्या आ जाएगा, पर्सनल हाइजीन में वॉश हिज और हर हैंड यूजिंग द करेक्ट हैंड वॉशिंग प्रोसीजर, वेयर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, ठीक है. फिर मैनेजर एक्शन प्लान क्या होगा जो कि उस बंदे ने करना होगा, या फिर वही था मोटिवेशनल मैनेजमेंट होनी चाहिए आपकी. मैनेजमेंट को बदले में क्या देना है आपको, उनको चाहिए कि वो प्रोवाइड करें सोप को, सिंक दें, डिस्पोजेबल टॉवल्स प्रोवाइड करें. इसके अलावा जो भी पीआरपीज या प्रोटेक्टिव क्लॉथ्स होते हैं वो प्रोवाइड करें, ठीक है. आगे फिर ये डेट्स वगैरह का कंप्लीशन डेट, कब स्टार्ट हुआ, किसने किया, ये सारी बातें आ जाएंगी, ठीक है. क्रॉस कंटेमिनेशन को रोकने के लिए ट्रेनिंग के लिए एक्शन प्लान क्या होगा, कि वो हाई रिस्क जो फूड आइटम्स है उनको स्टोर करें अपने रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे,
और जितने भी रेडी टू ईट फूड आइटम्स हैं उनको रॉ से अलग रखे, ठीक है, वो क्रॉस कंटेमिनेशन को स्टॉप कर सकता है। मैनेजर का क्या काम है, प्रोवाइड सेपरेट स्टोरेज एरिया उनको दे, ठीक है, और इसके अलावा कलर कूलिंग कूलर कूलिंग कोडिंग सिस्टम वगैरह जो हो सकता है आपके पास, कलर कोडिंग है, मैं क्या उल्टा सीधे बोल रही हूँ, ठीक है, वो भी आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि आप लोग सेग्रीगेशन कैसे कर सकते हो थ्रू कलर कोड्स, ठीक है। फिर फूड सेफ्टी हैजर्ड्स में हमारे पास पता है कि नॉन केमिकल और फिजिकल हैजर्ड्स हो सकते हैं, तो मैनेजमेंट को क्या चाहिए, मैनेजमेंट को उसके कंट्रोल पॉइंट्स और कंट्रोल प्लेसेस रखने चाहिए, तो एलिमिनेट, ठीक है। की टू सक्सेस क्या है हमारे पास, ठीक है, कंटिन्यूस डेवलपमेंट, इस सब का फायदा ये होता है कि डेवलपमेंट होती रहती है कंटिन्यूस। इसके अलावा आपके पास स्किलफुल टीम मैनेजर होना चाहिए, और जिसकी वजह से क्या होगा, आपके पास इस स्किलफुल पूरी की पूरी टीम बन जाएगी, ठीक है। पहले सिर्फ एक मैनेजर था या फिर एक प्रोफेशनल था जिसको ये काम आता था, फिर उसके 10 इंटर्नीस थे या व्हाटएवर जो भी थे, फिर उनको भी वो काम करना आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या होगा, जितने भी हैकअप के इश्यूज होंगे वो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकोगे, ठीक है। कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट साइकिल क्या है हमारे पास, उसमें प्लान डू चेक एंड एक्ट एंड चेक करो या चेक एंड एक्ट, ठीक है। एस्टैब्लिश मेजर एंड टारगेट्स हम लोगों ने करने होते हैं प्लान के अंदर, डू के अंदर एग्जीक्यूट द एक्टिविटीज होता है, एक्शन एक्ट के अंदर होता है कोई भी एक्शन इम्प्रूवमेंट के लिए आप ले लो, और चेक के अंदर होता है कि कंपेयर करना होता है कि पहले इस हमारे एक्शन से पहले काम अच्छा जा रहा था या हमारे एक्शन लेने के बाद काम अच्छा हो रहा है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्किल एंड नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट इन द बिजनेस फूड बिजनेस, ठीक है। उसमें क्या होता है, बिफोर ट्रेनिंग आप लोगों ने क्या करना होता है, ये किसका काम होता है, ये होता है मैनेजमेंट का, ऑनर का या मैनेजर या सुपरवाइजर्स का, ठीक है। बिफोर ट्रेनिंग आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड सेफ्टी, अपने एम्प्लॉय से आप लोगों ने मिलना है, अपने ट्रेनी से आप लोगों ने मिलना है, ठीक है, और उनकी जो ट्रेनिंग गोल्स है वो उनके बारे में उनको बताना है, उनसे इंश्योर करवाना है कि आया वो फर्दरली इसके ऊपर क्या चेंजेस या क्या हेल्पफुल हो सकते हैं इसमें कि नहीं हो सकते, ठीक है। इसके अलावा आपने अपनी ट्रेनर की क्वालिफिकेशन वगैरह पूछनी है, ठीक है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग आप लोगों ने क्या करना है, आपने अपने ट्रेनी को फोकस में रखना है, ठीक है, आपने उनको मोबाइल फोन और सोशल मीडिया और इस तरह की डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना है, ठीक है। आफ्टर ट्रेनिंग आप लोगों ने क्या करना है, आपने डेमोंस्ट्रेशन देनी है, ठीक है, आपने अपने एम्प्लॉय को इनकरेज करना है, उनको मोटिवेट करना है, ठीक है, और इसके अलावा आपने उनको फिर क्या करना है, आपने उनको रिसोर्सेज देने हैं ताकि फर्दरली वो इस चीज को किस तरीके से फॉलो कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास ट्रेनिंग गाइड है, ये डिफरेंट लेवल की ट्रेनिंग्स है। लेवल वन की ट्रेनिंग में हमारे पास क्या आ जाएगा, लेवल वन की ट्रेनिंग कब होती है और क्यों होती है, ठीक है। बेसिक फूड सेफ्टी स्किल्स सिखाए जाते हैं उसके अंदर, डेट ऑल स्टाफ डेमोंस्ट्रेट विद इन द फर्स्ट मंथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जैसे एक नया बंदा आता है तो उसको सारे स्किल्स बताए जाते हैं, ठीक है, इनिशियली। जैसे हम लोग यहाँ पे जब स्टार्ट में आते हैं तो हमें पहले एक हफ्ता ये LMS वगैरह ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि हमने थ्रू आउट दी लाइफ या फिर जितनी भी जॉब करनी होती तो हमने ये चीज देखनी होती है, तो ये आते ही साथ पहले महीने के अंदर हमें ये चीजें सिखा दी जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये लेवल वन की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। लेवल वन की ट्रेनिंग कब होती है, इंडक्शन के टाइम पे होती है। आउटलाइंस विल ऑल एम्प्लॉय मस्ट बी एबल टू डेमोंस्ट्रेट बिफोर दे स्टार्ट हैंडलिंग ऑफ द फूड ऑफ योर इन योर प्रिंसिपल्स, ठीक है। अगर हम LMS एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ आप लोग को कि ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, इंडक्शन के टाइम पे हमें ये सिखा देते, क्योंकि ये सबसे अहम और सबसे पहले और पहली जरूरी चीज होती है हमारे पास, ठीक है। जैसे यहाँ पहले उनको हैंडलिंग सिखानी होती है। स्टेज टू में क्या होती है, एम्प्लॉयमेंट विद इन फर्स्ट मंथ ऑफ स्टार्टिंग टू वर्क इन योर प्रीमिसेस, ठीक है। फिर आप लोग क्या बताया जाता है सेकेंड नंबर पे, उसके बाद जो सेकेंडरी नंबर की चीजें आती है, ठीक है। सबसे पहले हमें LMS की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद फिर हमें ERP की ट्रेनिंग और बैच एडवाइजरी और ये चीजें समझाई जाती है, ठीक है। सो ये सेकेंड में आ जाएगा हमारे पास, ये भी 0 to 1 month के अंदर ही सिखा दी जाती है, ठीक है। लेवल टू की ट्रेनिंग के एडिशनल फूड सेफ्टी स्किल्स दैट स्टाफ शुड बी एबल टू डेमोंस्ट्रेट विद इन 3 to 12 months ऑफ कमेंसिंग एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसके अंदर मैं अब आपको क्या एग्जाम्पल दूंगी, इसके अंदर ये एग्जाम्पल आ जाएगी, जैसे अभी LMS जैसे एडवांस हो गए, ये लेवल टू की ट्रेनिंग में हम इसकी एग्जाम्पल डाल देते हैं, ठीक है। सो वो जितनी भी वो एडवांसमेंट होती जाती है वो हमें सिखाई जाती है, या फिर फर्दर जो टास्क हमें मिल सकते हैं उनके बारे में हमें बताया जाता है लेवल टू में, ठीक है। लेवल टू की ट्रेनिंग कब होती है, 3 to 6 months में हो सकती है, जब एक एम्प्लॉय जो है वो अगर फूड सेफ्टी में और वो हाई रिस्क एरिया में है, ठीक है। लेट सपोज वो बिल्कुल प्रोसेसिंग और प्रोसेसिंग वाले यूनिट में काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा 6 to 12 months में होती है, ठीक है, लो रिस्क एरियाज में। सबसे पहले आपको मुश्किल काम सिखाया जाता है, फिर सुकून से आसान काम आपको सिखाया जाता है, ठीक है। हाउ फूड सेफ्टी स्किल्स आर प्रेजेंटेड, फूड सेफ्टी स्किल्स आर प्रेजेंटेड इन अ टेबल फॉर्मेट, वो टेबल फॉर्मेट कौन सा है हमारे पास,
फूड सेफ्टी स्किल के ऊपर जो आपके पास लिखा है, दिस इज द एक्चुअल स्किल व्हाट एम्प्लॉयर डज टू शो दैट दे आर हैंडलिंग फूड सेफली. ठीक है, ये नंबर वन चीज है आपके पास. ठीक है, फूड सेफ्टी स्किल क्या है हमारे पास? वेयर एंड मेंटेन यूनिफॉर्म प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग हाइजेनिकली. ठीक है, नंबर टू पे आ जाता है हमारे पास, दिस सेक्शन डिस्क्राइब हाउ द एम्प्लॉय कैन शो दे नो अंडरस्टैंड हाउ टू प्रैक्टिस दिस स्किल इन द प्रीमिसेस. ठीक है, नंबर टू लेवल टू की ट्रेनिंग में क्या होता है कि जो उसने सीखा होता है फिर वो उसका आउटपुट देता है कि वो इसको किस तरीके से कर सकते हैं. ठीक, उसके अंदर होता है अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ वेयरिंग यूनिफॉर्म, रिफ्रेन द फ्रॉम वेयरिंग पर्सनल क्लॉथिंग, ऑनर प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, वेयर अ क्लीन यूनिफॉर्म प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग इज इंस्ट्रक्टिव, चेंज प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग एट लीस्ट daily and more frequently when required and refrain from the wearing protective clothing outside the premises. ठीक है, ये बातें उनको फिर second level पे समझ आती है. Third level पे क्या होता है? Employee supporting activity में होता है. इस section के अंदर क्या होता है? हमारे पास outline resources and support your employee may need from your help that demonstrate good safety practices while working in premises. ठीक है, उसके अंदर आता है कि provide clean protective clothing, ये management का काम होता है. ठीक है, provide staff with adequate changing facilities. ठीक है, ensure staff wear clean and protective uniform and instruct employee to correct wearing and cleaning uniform protective clothing. ठीक है, training guide level 3 outlines होती हैं, food safety skills of managers and supervisors की training होती है. ठीक है, food safety supervisor training specific होती है आपके पास की. ठीक है, वो किन फील्ड्स के अंदर फूड सेफ्टी सुपरवाइजर की ट्रेनिंग होती है? हॉस्पिटैलिटी, उनको सिखाई जाती है किस तरीके, लेट्स सपोज अगर कोई मैनेजर है तो गेस्ट को कैसे वेलकम करना है. ठीक है, और अगर कोई फूड मैनेजमेंट एरिया है तो उसमें फूड प्रोसेसिंग करनी है. हेल्थ एंड कम्युनिटी रिटेल देखना होता है आप लोगों ने. ठीक है, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स देखना होता है. अच्छा, अब हम वर्क यूनिट के अंदर जो है ट्रेनिंग कैसे असेस कर सकते हैं. ठीक है, इंस्पेक्शन ऑफ द फूड सेफ्टी ट्रेनिंग. ठीक है, इंस्पेक्शन के अंदर क्या आ जाता है आपके पास? हाइजीन प्रैक्टिस इवैल्यूएटेड. ठीक है, हाइजीन देखी जाती है एम्प्लॉयज की भी और मशीनरी की भी. वेरीफाई द फूड सेफ्टी नॉलेज ऑफ स्टाफ. ठीक है, फूड से जो जितना भी वहाँ पे एम्प्लॉयज सब मौजूद होता है उसकी नॉलेज को वेरीफाई करें. ठीक है, आप मतलब उनसे क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं, आप उनको परफॉर्मेंस भी दे सकते हैं, उसके थ्रू आप उनको इंस्पेक्ट कर सकते हो. ठीक है, इसके अलावा जो प्रीवियस रिकॉर्ड होते हैं आपके पास फूड सेफ्टी के, उसकी चेकिंग होती है इंस्पेक्शन के अंदर. ठीक है, फूड सेफ्टी ट्रेनिंग दैट हैज बीन प्रोवाइडेड, उसके बारे में थोड़ी नो हाउ ली जाती है. ठीक है, इंस्पेक्शन का तो आपको पता होगा, इंस्पेक्शन टीम स्कूल्स कॉलेजेस आती रहती है. ठीक है, तो वो तो आप लोगों को आइडिया होगा. फॉलो अप इन फूड सेफ्टी ट्रेनिंग. ठीक है, फॉलो अप में क्या होता है कि जहाँ पे कुछ लूप होल्स या वीक पॉइंट्स रह गए होते हैं तो उनके बारे में उनको बताया जाता है. फिर नेक्स्ट टाइम आके उनको देखा जाता है कि उनको उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया या उनको उसके बारे में, लेट्स सपोज अगर वो फॉलो नहीं कर रहे तो क्या उनको नो हाउ है या नहीं है. ठीक है, तो ये चीजें चेक की जाती हैं. How to track problem? ठीक है, अब problem को हम लोग कैसे track कर सकते हैं? ठीक है, मतलब किसी भी जगह की weak points को देखने के लिए हम inspection कर सकते हैं, audit कर सकते हैं, उनकी जो भी चीज बना रहे उसकी sampling कर सकते हैं, monitoring कर सकते हैं, surveillance कर सकते हैं. ठीक है, और इसके अलावा verification हो सकती है. Inspection के अंदर क्या होता है? Examination of any aspects of food in order to verify such aspects comply with the legal requirements. ठीक है, लेट सपोज इंस्पेक्शन होती है और वो देखते हैं कि इनकी हाइजीन ठीक है या नहीं है, या जो ये फूड, लेट सपोज किसी जूस शॉप की हो रही है. ठीक है, तो देखेंगे उनकी ब्लेंडर साफ है या नहीं है, वो जो फ्रूट यूज कर रहे हैं वो कैसा है, जो जूस बनाने के लिए जो पानी यूज कर रहे हैं वो कैसा है. ठीक है, तो ये सारे एस्पेक्ट्स इसके अंदर आ जाते हैं. इस चीज को हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं जब आप कीनली एंड थॉरली किसी को ऑब्जर्व करते हैं, तो वो इंस्पेक्शन में आ जाता है आपके पास. ठीक है, ऑडिट होते हैं, ऑडिट मंथ के एंड में भी हो सकते हैं, कुछ अर्से के बाद भी हो सकते हैं. ठीक है, यू हैव प्लान्ड अरेंजमेंट. ठीक है, ऑडिट में क्या होता है? ऑडिट में समटाइम्स ऐसा होता है कि वो आपको एक टास्क दे देते हैं, उससे पहले आपको परफॉर्मेंस भेज देते होते हैं कि भाई ये परफॉर्मेंस फिल कर ले और हमने ये चीजें देखनी है, हम आएंगे कुछ अर्से बाद हम आपका देखेंगे. ठीक है, मोस्टली ऐसा होता है कि ऑडिट जो होता है वो मोस्टली इंस्पेक्शन बाहर से भी हो सकती है और ऑडिट आप खुद ही करते होते हो. ठीक है, अपनी कंपनी का या अपने बैंक का ऑडिट आप खुद ही कर रहे होते हो. ठीक है, सेकेंड पॉइंट होता है डिटरमिन वेदर एक्टिविटीज एंड जो जितने भी एक्टिविटीज वगैरह हो रही हैं क्या वो कंप्लाई कर रही हैं विद स्टैंडर्ड्स के साथ मिल रही हैं जो स्टैंडर्ड पॉइंट रखा हुआ है या नहीं. ठीक है, डिटरमिन वेदर दीज अरेंजमेंट्स आर इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली. ठीक है, उसके अलावा जो अरेंजमेंट्स बनाई गई हैं वो फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही. ठीक है, वेदर द रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑब्टेन. ठीक है, और एंड क्या होता है कि जितना भी आपने क्राइटेरिया बनाया है उसका उतना रिजल्ट आप अचीव कर रहे हो या नहीं. ठीक है, ऑडिट के अंदर क्या इंक्लूड होता है? आपके पास कंप्लीट फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम होता है. ठीक है, उसके अलावा आप सिलेक्टिव एलिमेंट्स देखते हो, इट कुड बी अ प्रोसेस ऑफ फूड सेफ्टी मैनेजमेंट. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोग सिर्फ टेम्परेचर मॉनिटरिंग देख रहे हो. ठीक है,
ऑडिट के अंदर क्या क्या चीजें आती है, ऑडिट के अंदर पांच चीजें होती है, सिलेक्ट एरिया टू बी ऑडिटेड, ठीक है, कोई एक सर्टन स्पेसिफिक एरिया होगा, ठीक है, शेड्यूल द ऑडिट, ऑडिट को शेड्यूल करना है, उसके बारे में जितनी भी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है वो गैदर करनी है, ठीक है, फिर ऑडिट का प्लान बनाना है, ठीक है, और फिर आपने उसको फाइनलाइज करके जो भी एचआर या एडमिनिस्ट्रेशन होगी उनसे उनकी डिटेल्स लेनी होती, ठीक है। ऑडिट और इंस्पेक्शन में डिफरेंस क्या है हमारे पास, ऑडिट जो होता है वो लेस फ्रीक्वेंट होता है, ठीक है, महीने बाद, छह महीने बाद होता है, इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंट हो सकती है और रिपीटिंग भी हो सकती है, मतलब हर रोज के आखिर में भी हो सकती है आपके पास, ठीक है। ऑडिट जो है वो बहुत ही फॉर्मल होता है आपके पास, ठीक है, और जो इंस्पेक्शन होती है लार्ज होती है, इंस्पेक्टर्स इंस्पेक्शन ईयरली भी हो सकती है, ठीक है। आपके पास ऑडिट जो होता है वो लार्जर स्केल पे होता है, उसका कोई स्कोप होता है, ठीक है, और इंस्पेक्शन जो होती है वो फोकस्ड होती है और स्पेसिफिक होती है आपके पास, ठीक है। ओके अच्छा, ऑफन सिस्टम एंड प्रोग्राम बेस्ड होती है आपके पास, ठीक है, जो ऑडिट होते हैं, इसके अलावा स्ट्रक्चर होती है बट अलाउ फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस, ठीक है, ऑडिट के बाद में एनालिसिस हो सकती है, ठीक है। इंस्पेक्शन में आपको इक्विपमेंट चाहिए होता है एरिया बेस्ड, और ये ज्यादा रिजिड होती है और या ज्यादातर चेकलिस्ट के ऊपर इसका जो होता है वो हम लोग डिपेंड करते हैं। ऑडिट क्या करती है, अलाउ फॉर डीपर इन्वेस्टिगेशन कॉज एनालिसिस टू आइडेंटिफाई सिस्टमैटिक एंड प्रोसेस इश्यूज, ठीक है, ये बड़े पैमाने पर बड़े मसले देखती होती है। और इंस्पेक्शन में क्या होता है, अलाउ फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ द हैजर्ड्स ऑन अ केस बाय केस बेसिस, ठीक है, मतलब छोटे छोटे पैमाने पे छोटी छोटी बेकरीज वगैरह की भी इंस्पेक्शन होती रहती है, तो ये इतनी बड़ी चीज नहीं होती, ऑडिट बड़ी कंपनीज का होता है बड़े पैमाने पे, ठीक है। ऑडिट अप्रोच के लिए क्या चाहिए होता है, उनके विजिट से पहले प्री विजिट क्वेश्चनाइज चाहिए होते हैं, टाइम टेबल चाहिए होते हैं, चेकलिस्ट जो आपने बनाए होते हैं, इसके अलावा कुछ एम्प्लॉयज का इंटरव्यू होता है वहीं पे चलते हैं, फिर उनसे इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती है और फिर उस बेस पे रिपोर्ट्स बना के उनको सबमिट करवानी होती है, ठीक है। पीवीक्यू क्या होता है, प्री रिक्विजिट क्वेश्चन है, रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन प्रायर टू विजिट, ठीक है, जिसमें वो कंपनी अपने इन आउट्स एंड नोज हाउस एंड डूज प्रोज एंड कॉन्स के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन देती है। पर्पज इसका होता है ताकि ऑडिट ज्यादा हेल्पफुल बना सके, उसके ऊपर फोकस कर सके, उसके अलावा कुछ ऐसी बातें मिल जाए उनको, कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल जाए जिसके थ्रू वो अगर ऑडिट के लिए जाएं तो उनके पास कोई क्वेश्चन हो पूछने के लिए, ठीक है। चेकलिस्ट क्या होता है, यूज फॉर असेसर्स कंप्लायंस, ठीक है, स्पेसिफिक टॉपिक होती है, इसके अंदर ट्रेसिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ट्रेनिंग आपने अपने एम्प्लॉय के दिए या नहीं दी, और जो प्रोडक्ट आप रख रहे हैं उसका टेम्परेचर कंट्रोल किया, ठीक है। रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस के लिए चाहिए होते हैं, यूज टू आंसर प्रोटोकॉल क्वेश्चन, ठीक है। फूड सेफ्टी ट्रेनिंग लेवल वन स्टेज वन चेकलिस्ट कैसी हो सकती है, एम्प्लॉय का नाम लिखेंगे, स्टार्ट डेट लिखेंगे, फूड सेफ्टी स्किल्स देखेंगे, वेयर एंड मेंटेन यूनिफॉर्म, ठीक है, फिर आपने चेक किया क्रॉस करना होता है, मेंटेन हाई स्टैंडर्ड चेक क्रॉस, मेंटेन हाई स्टैंडर्ड ऑफ पर्सनल हाइजीन चेक किया क्रॉस करना होता है, ठीक है। इसी तरह सेवन नंबर पॉइंट है कि मेंटेन स्टाफ फैसिलिटीज एंड हाइजीन कंडीशन, येस और नो, ओबे फूड सेफ्टी साइंस, येस और नो, कीप वर्क एरिया क्लीन, येस और नो में आंसर, या फिर टिक एंड क्रॉस में होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर इंटरव्यूज होते हैं वो जॉब स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, ठीक है, वो सर्टन जो एक पार्ट है, लेट्स सपोज किचन में जो शेफ खड़ा है तो उसके जो स्पेसिफिकेशन है उसकी उसी की से रिलेटेड कर सके, ठीक है। इससे फायदा क्या होता है कि फर्दरली ऑडिट वालों को वेरिफिकेशन मिल जाती है, वेरिफिकेशन टूल बन सकता है स्ट्रक्चर इंटरव्यूज, वो दो तीन चार पांच यूनिट के एम्प्लॉय से जब वो इंटरव्यू करेंगे तो फर्दरली उनको ऑडिट रिपोर्ट बनाने में आसानी होगी और उनको पता चल जाएगा कौन सी कंपनी कितने पानी में है, ठीक है। रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट आपके पास होती है, एक आपको पता है रिपोर्ट कैसे जनरेट होती है, ये जो सारे ऊपर प्रोसेसेस हुए हैं ना वो क्वेश्चन एयर से लेकर वो स्ट्रक्चर इंटरव्यू तक वो जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी उसको वो गैदर करेंगे और फिर उसके अंदर वो रिपोर्ट बना देंगे। रिपोर्ट जो है वो कंप्लायंस की भी हो सकती है, कंप्लायंस का मतलब होता है कि अपनी तामीलों तक मील तक पहुंच गई है विदाउट एनी डाउट और प्रॉब्लम्स। नॉन कंप्लायंस वो होती है कि वो उनके स्टैंडर्ड तक नहीं उतरती और वो अपने रिजल्ट को नहीं शो कर सकती, ठीक है। ये था आज का रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट कह रही हूँ मैं, आज का लेक्चर, और ये जो दो वेबसाइट से बेटा काइंडली चेक कर लिया करे, ठीक है, और खत्म हो गया आप लोग का लेक्चर, कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले मुझसे बेटा। कोई क्वेश्चन नहीं है? नो मैम। बेटा क्लास में है भी या नहीं आप लोग? मैम यही है। यस मैम इधर ही है। यस मैम। अच्छा आप लोगों से पूछ रही हूँ। यही है। कोई हाल नहीं है आप लोगों का। मैम।
मैम क्लास ठीक है, मैं क्लास एंड कर रही हूँ। अटेंडेंस आप लोग की मैंने इधर से ले ली है ज़ूम से। मैम एक बात करनी थी आपसे। जी